पेड़ पर से तो कई मरतबा पत्थर भी गिरे हैं। हमें तो शुरू से ही बताया गया था कि ये पेड़ भारी है, मगर करी अम्मा के रोकने के बावजूद इस पेड़ पर चढ़ गई। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तानी टेली थिएटर के एक हॉरर प्ले आसेप की कास्ट के बारे में है कि उस वक्त इस ड्रामे में ये अदाकार कैसे दिखाई देते थे और तब उनकी उम्र क्या थी, और अब 29 साल गुजरने के बाद वही अदाकार कैसे दिखाई देते हैं और अब उनकी उम्र क्या है। नाजो खुदा का वास्ता, हमारी परेशानियों में इजाफा मत करो। अम्मा, ये मेरी बहन है, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। ये ड्रामा 1993 में नशर किया गया, जिसे तहरीर किया शाहिद काजमी ने और हिदायत दी इकबाल अंसारी ने। आप कभी चक्कर लगाए ना अपनी हवेली? अरे वो हवेली तेरी कब से हो गई है, कमदार है तू उधर। बस जी, कभी के दिन बड़े और कभी के राते। अस्मा नवाब की ज्यादती का निशाना बनती है। अस्मा का मंगेतर अस्मा को सहारा देता है और दोनों नवाब से बदला लेने की ठान लेते हैं। नवाब की दो बेटियां आशी और नाजो हैं। आशी अपनी हवेली में लगे दरख्त से खौफजदा रहती है और कमाल और अस्मा मिलकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आशी पर आसेब का साया है और इस हवेली को खाली कर देना चाहिए। अभी तो इब्तदा हुई है, अभी से दिल हार गए। इस ड्रामे की कास्ट में शामिल थे मजहर अली, हुमा नवाब, फजीला काजी, कैसर नकवी, सलीम खान, अरशद हुसैन, शगुफ्ता एजाज, अजमत अंसारी, जफर सिद्दीकी और वकील फारूकी। दोस्तों, इस ड्रामे के जिन अदाकारों की मौजूदा तस्वीर नहीं मिल सकी हैं, उनके बारे में आपकी रहनुमाई की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप अपने किसी भी पसंदीदा ड्रामे की कास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स में हमें बताएं। अगली वीडियो में होगी आपसे फिर मुलाकात। टेक केयर। जिस दिन तुम नाजो को शादी करके यहाँ लाओगे, उस दिन हमारी जिंदगी शुरू होगी।